तो हेलो एवरीवन, 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 महाराष्ट्र बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आ चुका है वापस एक बार। मैंने और 10th स्टैंडर्ड के साइंस के और क्वेश्चन पेपर मैंने डाले इस चैनल पे, आप वो भी प्रैक्टिस करो और ये भी प्रैक्टिस करो। आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, तो ठीक है, इसका राज बाद में बताएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम आएगा। बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, किसी भी सिस्टम का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट पूछा जाए तो उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के रिलेटेड फॉर्मूला आपको कौन सा याद आता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली सभी को याद होगा। F इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। किसका यूनिट निकालना है? जी का। किसका यूनिट? जी को अकेला करो, मतलब आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, एम वन एम टू से डिवाइड कर दो, जी हो जाएगा अकेला। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है। यहाँ पे F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R मतलब डिस्टेंस एक तरह का, तो मीटर, मास मास, केजी केजी, मल्टीप्लाई होकर केजी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर बने होने की वजह से स्क्वायर, मास का केजी, दूसरे मास का केजी, केजी 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 का स्क्वायर। तो आंसर ऑप्शन हो गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है न्यूटन मीटर केजी का स्क्वायर, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ब्लॉक, मतलब ब्लॉक का नाम लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इन विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल प्रेजेंट। पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं? सभी को यह पता होगा, और नहीं पता है तो अब भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, नीचे वाला एफ ब्लॉक। ये जो पी ब्लॉक है इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। वापस एक बार, पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तीनों तरीके के सब्सटेंस, मेटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल है, डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल है। सिर्फ पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना पी ब्लॉक। क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस पेपर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और मैंने इसको पहले लिया, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है ये, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड। एक बॉल है, हमने बॉल ले लेते, चलो ये बॉल टेबल से गिरेगा, कितने देर के लिए गिरा? 1 सेकंड। कितने देर के लिए गिरा? 1 सेकंड। आपको पता है 1 सेकंड के लिए गिरेगा तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा, लेकिन इमेजिन करो जब वो गिर रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब होगा तो उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा? u कितना होगा? 0 होगा। जस्ट रिलीज करेंगे तभी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितना लगता सभी को पता होगा, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 9.8 होता नॉर्मली, यहाँ पे 10 दे रखा आपने को। आपको निकालना है ये बॉल 1 सेकंड में कितना नीचे आई, मतलब s डिस्प्लेसमेंट, और आपको निकालना जब 1 सेकंड के बाद नीचे आएगी तो उसका स्पीड कितना होगा, दैट इज द कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। नीचे पहुंचते कितना स्पीड होगा, मतलब यहाँ से नीचे आई तो ये v कितना होगा वो बताओ। पहले कहा थी यहाँ पे, अब आ गई यहाँ पे, तो हमें निकालना है v। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, मोशन का फर्स्ट लॉ, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। बताओ बच्चा, u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना भाई लोग? 10। और टाइम कितना है? 1। तो यहाँ पे देखो, 0 तो गया, चल लेने 10 × 1 हो गया 10 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन था यार। सेकंड क्वेश्चन में था डिस्प्लेसमेंट निकालना, फॉर्मूला सभी को याद है मोशन का, s इज इक्वल टू u प्लस at का स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है? 0। एक्सेलरेशन का वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू अगेन 1 सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, 0 × 2 = 0 हो गया। अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये हाफ है, ये 10 है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मीटर। तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपको पता, सब्सक्राइबर देख लो यार, बहुत कम है जिस तरीके से काम किया जा रहा है। तो प्लीज नेक्स्ट वीक तक का टारगेट है 1K करना है, सिर्फ 1K। देखो कोई ज्यादा बात नहीं, 1K हो जाएगा, पॉसिबल होगा। एंड तक मैं आपका साथ दूंगा, बोर्ड्स के एग्जाम हो, हाफ सेमेस्टर हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सेम क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे आ चुका होगा, वो सेम एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी। प्रैक्टिस करते रहो, बस कॉन्सेप्ट को समझते रहो, आपका काम हो जाएगा, और जितने क्वेश्चन पेपर डालो उसको सॉल्व करते रहो। प्लीज सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग मुझे चाहिए, आप स्टूडेंट मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे को स्टूडेंट का, और बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, राइट द नेम द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1। पीरियोडिक टेबल में कौन सा फैमिली जिसका वैलेंसी 1 होता है? सभी को पता होगा अल्कली मेटल। अगर आपको अल्कली मेटल वाली फैमिली नहीं पता है तो पता कर लो, ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो फैमिली दिख रही है ग्रुप 1, एस ब्लॉक का ग्रुप 1, इसको बोला जाता है अल्कली मेटल, और इन सबका वैलेंसी 1 होता है, मतलब इनके आउटर मोस्ट
शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17 को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप और इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। अगर नहीं पता है एटलीस्ट इतना पता कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ एडिबल ऑयल इज केप्ट वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम रेंसिड, क्या ये सही बात है? क्या खाने के तेल को लंबे समय तक रखेंगे क्या रेंसिड हो जाएगा? आंसर देख लेते पहले, क्या बोलता है? ट्रू फॉल्स तो करना है यार, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। तो आप किसी एडिबल ऑयल को लंबे समय तक रख देते हो तो उसका एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें से गंदी सी स्मेल और गंदा सा टेस्ट आने लगता है, तो ये जो लिखा है सही बात है, वो रेंसिड खराब हो जाता है। तो आंसर हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। पोटेशियम, देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, पोटेशियम का होता है इस तरीके का एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो एटॉमिक नंबर 19 है तो पहले शेल में आपको पता है मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, देखो एक दो, दूसरे शेल में हम 8 भर देंगे, तीसरे शेल में हम 8 भर सकते हैं, देखो 8 और 8 16 और 2 हो गया हमारे पास 18, अब 1 बचा है, लास्ट वाले शेल में कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बनाया जाता है 2 8 8 18 18 32, तो 2 भर दिया, सेकंड वाले में 8 भर दिया, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, फिर तीसरे वाले में 8 भर दिया उससे ज्यादा नहीं भर सकते, लास्ट में बचा 1, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये दे रखा था बराबर। अब एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को रिलीज करना। आपको दिख रहा है यहाँ पे हीट प्लस करके प्रोडक्ट साइड में लिखा है, मतलब हीट को यहाँ पे रिलीज किया है, मतलब ये रिएक्शन है एक्सो। क्या है? एक्सो। क्या है? एक्सो, हीट रिलीज। डेफिनेशन भी मैंने दिया है आपको, हीट रिलीज। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है और आपको दिख रहा है एरो के ऊपर ट्रायंगल दिखा है, मतलब इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में हीट का जरूरत पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हो जाएगा एंडो। क्या हो जाएगा? एंडो। एंड मैंने गलती से यहाँ एक्सो लिख दिया है, प्लीज हो जाता है एडिटिंग में गलती, लेकिन एंडो लिखना है। क्या लिखना है? ई एन डी ओ, एंडोथर्मिक, हीट रिलीज लिख दिया, सेम कॉपी करके लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना हीट एब्जॉर्ब। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलती हुआ तो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखना हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइंटिफिक रीजन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। देखो जो एलिमेंट एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? सेम होती है। क्यों होती है? देखो जो भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप यहाँ पे अगर ये इमेज दिख रही है तो इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, बाहर जितने लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उससे वैलेंसी डिसाइड होती है। तो एक ग्रुप वाले में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे सारे एलिमेंट में सेम होते हैं। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, बराबर। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एक ग्रुप में एक ग्रुप के एटम है तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, हेंस के बाद वापस सेम क्वेश्चन लिख लेना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये आंसर बताया है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम आपके फाइनल बोर्ड्स में आ सकता है। यूनिट टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकंड क्वेश्चन है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड क्वेश्चन है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, क्या बोलता है? जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? मास m1 है दूसरे का मास m2, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कितने फोर्स से? f1 और f2 का वैल्यू सेम होगा और वो फोर्स होगा g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दिख रहा m1 into m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम नीचे आएगा, इन्वर्सली लिखा इसके लिए r स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये फॉर्मूला बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन डोबेरानस ट्रायड्स विद एग्जांपल। पहले बता करते डोबेरानस ट्रायड क्या होता है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स ले लो और उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको अरेंज कर लो, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कितने आइटम अरेंज किए थे। ग्रुप ऑफ तीन एलिमेंट, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स लिए और उनको अरेंज किए, इसीलिए इनको ट्रायड्स बोलते हैं। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इन्होंने तीन एलिमेंट लिए, वो एलिमेंट लिए जिनका प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, ठीक है। अब क्या किया, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, तीन एलिमेंट लिए उसमें से पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, बराबर, इनका एटॉमिक मास का सम किया और उसका मीन लिया, मतलब उसको डिवाइड बाय टू किया, तो जो मिडल वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास मैच कर गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो जैसा कि यहाँ पे देख लो, अपने पास लिथियम है और कैल्शियम है, बराबर, क्लोरीन है, सॉरी, लिथियम और क्लोरीन
तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लिथियम सोडियम और पोटेशियम, पहला वाला देखो, पहला वाले रोज पे ध्यान दो, लिथियम सोडियम पोटेशियम है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सोडियम का एटॉमिक मास निकाला है, सोडियम मिडल में, बराबर। सोडियम का एटॉमिक मास निकालने के लिए लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास को देखो सम किया है, डिवाइड बाय 2 किया, आपको लिथियम का एटॉमिक मास मिला। मतलब द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ पहला वाला एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट डिवाइड बाय 2, यू विल गेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एंड दिस इज व्हाट द डोबेरियनस लॉ ऑफ टायर्स। तो रिमेंबर दिस, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस टेबल में से आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल लिखना है, इज इट, ये हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग मोर। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यार अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने दिखा दिया है, कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4, एस पी डी एफ, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल टोटल कितने होते हैं, देखो मैं सारा यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाओगे ना, तो यहाँ पे टोटल एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, ये समझ में आ गया। इनको बोलते ग्रुप्स, क्या बोलते हैं, खड़े खड़े जो बिल्डिंग दिख रही इनको ग्रुप्स बोलते हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं। टोटल 7 कॉलम होते हैं और टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, तो आप ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल, मैं बोल रहा हूँ लिख लो अगर आप चाहते हो तो। सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17 ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन ग्रुप, बात समझ में आ गया। एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल पाए जाते हैं, पी ब्लॉक के अंदर वी कैन फाइंड इन पी ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल ऑल थ्रीज आर प्रेजेंट। ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। एलिमेंट आर अरेंज इन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज किए हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक के अंदर टोटल 4 ग्रुप है, एस पी डी एफ, देयर आर 118 एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 3 लॉज ऑफ केपलर, केपलर के 3 लॉ लिखने, यार बहुत इजी है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज इलिप्स एंड विद द सन इज एट द वन ऑफ द फोकाई, मतलब ये प्लेनेट है तो सन एक फोकस पे रहेगा, और जिस ऑर्बिट में, मतलब जिस रास्ते में कोई प्लेनेट घूमेगा वो रास्ता कैसा होगा, इलिप्टिकल, ऐसा अंडे जैसा होगा, ये पहला। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन, मतलब ये समझ लो सन है और ये हमारे प्लेनेट से, तो प्लेनेट से सन से लाइन कनेक्ट कर लेते हैं, और प्लेनेट थोड़ी देर में आगे जाएगा तो ये एरिया कवर करेगा, करेक्ट है। और समान लो प्लेनेट कभी इधर होगा तो यहाँ पे भी ये उसी टाइम में एरिया कवर करेगा, तो ये दोनों एरिया सेम होगा। अगर टाइम सेम है तो एरिया सेम होगा, टाइम सेम है तो एरिया सेम होगा। तो क्या लिखा है, लाइन जॉइनिंग प्लेनेट टू द सन थ्रू इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, केपलर। सेकंड लो, केपलर थर्ड लो, बड़ा इजी फॉर्मूले से समझ लो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, पूरा गोल घूमने में लगने वाला समय किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट टू द सन, ठीक है। तो ये याद कर लो, बहुत इजी है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, हेल्प ऑफ न्यूटन अराइव इन द यूनिवर्स, देखो भाई न्यूटन लॉ, न्यूटन ने लॉ बनाया ना वो विद द हेल्प ऑफ केपलर बनाया हुआ, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक रेडियस आर गिवन, आपको एलिमेंट्स और एटॉमिक रेडियस दे रखा है, ठीक है। अब आप अच्छे से देखोगे पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस है 231, मतलब कितना निम्बुड़ा क्वेश्चन था यार, निम्बुड़ा निम्बुड़ा क्वेश्चन एकदम। ये पोटेशियम का एटॉमिक मास दे रखा है, सोडियम का दे रखा है, रूबिडियम का दे रखा है, ये। अब मुझे बताओ सबसे छोटा एटॉमिक मास किसका है, इसका देखो लिथियम का, और लास्ट में क्वेश्चन देखो थर्ड वाला क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम, अरे छोटा है मतलब जिसका छोटा एटॉमिक मास, लिथियम का सबसे छोटा, लिथियम सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन होगा, सेशियम, सबसे बड़ा कौन होगा, सेशियम, देखो 262, तो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, छोटा, मैंने लिखा नहीं, मैंने सेशियम ही लिखा गलती से यहाँ पे। स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास आपको लिखना लिथियम, और लार्जेस्ट एटॉमिक मास आपको लिखना सेशियम, तो आप स्मॉलेस्ट करके लिख लेना, ठीक है। सेकंड वाला, अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट ग्रुप टू विच अबाउ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ये सारे एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। देखो ली ना के रब से, ली ना के रब से लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सेशियम सारे के सारे ग्रुप वन से प्रेजेंट होते हैं। और अगर देखोगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे और उनके आउटर मोस्ट शेल पे देखो 11 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 11 लिखा, मतलब ग्रुप 1 से प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द अबव एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, वर्टिकली मतलब अरेंज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, नंबर देख के लिखना भाई। देखो सेशियम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस सेशियम का होगा, फिर रूबिडियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, लिथियम का। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है। प्लीज अगर आपने वीडियो एंड तक अब तक देखा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और जितना हो सके सब शेयर कर लो। मेरा टारगेट है 1K का नेक्स्ट वीक, हमारा टारगेट है, मेरा नहीं, हमारा टारगेट है, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।